क्या अयोध्या में आंदोलन से ही राम मंदिर बनेगा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाली धर्म सभा को लेकर विश्व हिंदू परिषद लोगों को न्योता दे रही है। मकसद धर्म सभा में करीब 1 लाख लोगों को इकट्ठा करने की है। वहीं आज विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की और अयोध्या में मीट और शराब की बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग की। इसके अलावा सरयू घाट का नाम बदलने की भी मांग की गई है। 25 नवंबर को अयोध्या में वीएचपी धर्म सभा करेगी और इस धर्म सभा को लेकर के विश्व हिंदू परिषद देश भर के लोगों को अयोध्या आने का न्योता दे रही है। इस धर्म सभा में राम भक्तों को भारी संख्या में आने की अपील की गई। तो देश भर के लोगों को दिया जा रहा है धर्म सभा के लिए न्योता। धर्म सभा से राम भक्तों से भारी संख्या में पहुंचने की अपील की गई है। तो 25 नवंबर को वीएचपी अयोध्या में भारी, यहां पर देश भर के लोगों को दिया जा रहा है धर्म सभा में आने का न्योता। तो 25 नवंबर को अयोध्या में वीएचपी धर्म सभा करेगी और इस धर्म सभा को लेकर के विश्व हिंदू परिषद देश भर के लोगों को अयोध्या आने का न्योता दे रही है और इस धर्म सभा में राम भक्तों को भारी संख्या में आने की न्योता दे रही है और इस धर्म सभा में राम भक्तों को भारी संख्या में आने की अपील भी की गई है। राम मंदिर निर्माण को लेकर के सियासत लगातार जारी है। वहीं इस बीच विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। विहिप की तरफ से सीएम योगी को एक मांग पत्र सौंपा गया है और अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग रखी है। साथ ही इस मांग पत्र में श्री राम जन्मभूमि न्यास के पहले अध्यक्ष के अंतरिक्ष स्थल सरयू घाट का नाम बदलने की भी मांग की गई है। विहिप की तरफ से इस घाट का नाम परमहंस रामचंद्र दास घाट रखा जाए। साथ ही अयोध्या पर्यटन के लिए प्रशिक्षित गाइड रखने की भी मांग की गई है। वहीं यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि अयोध्या में मीट और शराब की बिक्री पर रोक को लेकर कानूनी सलाह ली जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी अयोध्या में मीट और शराब की बिक्री पर रोक की मांग का समर्थन किया है। कई स्थानों से इस तरह की मांग आती है कि वहां शराब और मांस पर पूर्णतः प्रतिबंध हो और हम सभी श्रद्धालुओं का, संतों का, इन भावनाओं का सम्मान करते हैं और आने वाले समय में एक जो लीगल फ्रेमवर्क है इसके अंदर रहते हुए इन समस्याओं का समाधान करने का हमारी सरकार प्रयास करेगी। हम साधु संतों की इस मांग का समर्थन करते हैं कि अयोध्या, मथुरा, तमाम जगह पर शराब बंदी हो। हम लोग ये मांग भी करते हैं कि पूरे देश भर के अंदर शराब की बंदी हो और पूरे देश से गाय के एक्सपोर्ट पर रोक लगे। और आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान फैजाबाद का नाम बदलने के साथ हवाई अड्डे का नाम श्रीराम एयरपोर्ट के नाम पर रखने की घोषणा की है। इसके अलावा राजा दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है, जिससे स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। लोग सीएम के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। देखते हैं भगवान राम की पहचान है यहाँ अयोध्या नगरी में, इस नाम से पूरा देश जानता है, देश क्या पूरा विश्व जानता है। इसलिए अच्छे नज़रिए है, सरकार ने प्रयास किया है। इसलिए सरकार ने कोई किसी को इस बात पे ध्यान नहीं आ रहा है, यहाँ एयरपोर्ट का नाम चेंज हो और जो है जिला का नाम चेंज हो। फैजाबाद अगर अयोध्या में ही जुड़ जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अयोध्या जो है बहुत ही विख्यात है, विकास के रूप में इस तरीके से देखना चाहती हूँ कि अगर फैजाबाद जो है अयोध्या में मिल जाता है तो यहाँ पे डेवलपमेंट के बहुत ही नए नए आयाम खुल सकते हैं। हमारे यहाँ का जो एयरपोर्ट है उसको राममय करने के लिए उसका नाम का अगर राम से रिलेटेड होगा तो यहाँ की जनता बहुत ही खुश होगी।
और अब सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर यूपी कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो उसके लिए एक रिटायर्ड जज जो न्यायमूर्ति श्री राजमणि चौहान जी के एक कमीशन बनाया गया था, वो कमीशन की रिपोर्ट आई है तो उसको कैबिनेट से अप्रूव किया जाता है कि रिपोर्ट को नहीं अप्रूव किया जाता है मगर सदन में ले जाने के लिए, तो वो सदन के पास आई थी, मतलब कैबिनेट में आई थी तो उसका अप्रूवल दिया है कि सदन के पटल में रखने की अनुमति दी गई है। अगला बिंदु जो है वो है प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालय वित्त विहीन में कार्यरत शिक्षकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के संबंध में। इसके अंदर इस प्रकार के जो विद्यालय हैं, वित्त विहीन जो विद्यालय हैं, वो लगभग 19,275 हैं उत्तर प्रदेश में। वहां पर जो शिक्षक हैं उन लोगों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, जो पुरस्कार नहीं मिलता। भारत सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से अनेक जो हैं विद्यालय जो शासकीय हैं उन लोगों को पुरस्कार दिया जाता है, तो वहां पे प्रोत्साहन देने के लिए ये पुरस्कार का घोषित किया गया है जो मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार होएगा। इसके अंदर 18 अभी शुरुआती दौर में 18 मंडल हैं, तो 18 लोगों को चिन्हित किया जाएगा या चयन किया जाएगा और उनको 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और ये 25 दिसंबर हर 25 दिसंबर को ही दिया जाएगा। आपको पता है अटल जी का वो जन्मदिन होता है। और इसके अंदर जो मानक होएगा वो मानक जो हैगा जो शिक्षक की 15 साल जो नियमित सेवा हुई है वो रहेगी, या तथा जो प्रधानाचार्य हैं या प्रधान अध्यापक हैं उनकी 20 वर्ष की सेवा होना आवश्यक है। अगला जो बिंदु है वो खरीफ वर्ष 2018-19 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मक्का क्रय नीति हेतु प्रस्ताव आया था। इसके अंदर जो मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 1700 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। इसके अंदर जो मक्का की उतराई, चनाई, छनाई, सफाई के लिए किसान को 20 रुपए प्रति क्विंटल और भी दिया जाएगा और ये 20 जनपदों में जहां मक्का का उत्पादन होता है वहां पर ये लागू किया गया है। और कहीं और भी कोई जनपद है जहां पे मक्का का लगता है तो वहां पर जो खाद आयुक्त है उनके द्वारा ये निर्णय लिया जा सकता है, वो प्रस्ताव कर सकते हैं। तो ये किया जा रहा है और इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ये तो पहली दफे लागू कर रहे हैं जी, पहली दफे कर रहे हैं। तो इसके मतलब इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना था क्योंकि मक्का का पीरियड चल रहा है, मगर इसके अंदर 24/10/2018 में इसकी कार्रवाई हम लोग ने शुरू कर दी थी, जो इसके लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना चाहिए था तो उस पे काम शुरू हो चुका था क्योंकि इस पे पंजीकरण करना, प्रचार प्रसार करना, ये सब चीजें करनी शुरू हो चुकी थी, क्रय सेंटर्स ये सब करना शुरू हो गया था। तो अब इसको लागू किया जाएगा 20 रुपए प्रति क्विंटल। और इसके अंदर वो आपको डिटेल्स अभी दे देंगे, थोड़ा सा मेरे को भी भागना भी है, नीति आयोग की बैठक चल रही है तो मेरे को वहां भागना है, तो वो आपको डिटेल प्रेस नोट में और आ जाएगा। मैं मोटे बिंदु आपको पकड़ रहा हूं भी। इसके अंदर आपके लिए 214.94 करोड़ का खर्च होएगा। इसके अंदर जो खरीदा जाएगा वो 1 लाख मीट्रिक टन,
अगला जो बिंदु है वो एक साधारण है। ये उत्तर प्रदेश के राज्य चिकित्सा महाविद्यालय जो अध्यापकों की सेवा नियमावली है 1990 में पंचम संशोधन किए जाने का संबंध है। ये इसमें खाली संशोधन इतना है कि जो एक ऐसे यूजीसी ने भी हर जगह लागू कर रखा है, तो इसके अंदर जो लेक्चरर के पद थे, जो प्रवक्ता के जो पद थे, उनको समाप्त करके इस संशोधन के माध्यम से इसको मर्ज करा जा रहा है और अब असिस्टेंट प्रोफेसर का पद होगा, सहायक प्राचार्य का होगा। अब लोक सेवा आयोग से कोई भी जब चयन होएगा इन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, तो सीधी जो भर्ती होगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, प्रवक्ता पद हट जाएगा। अब समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, आज कैबिनेट में यह प्रस्ताव आया था कि इलाहाबाद मंडल का नाम परिवर्तित कर प्रयागराज मंडल प्रयागराज किए जाने के संबंध में आज कैबिनेट ने इसको औपचारिक रूप से पास कर दिया। जो प्रयागराज मंडल के अंतर्गत जो जनपद पहले से ही इलाहाबाद मंडल में शामिल थे, कौशाम्बी, फतेहपुर एवं प्रतापगढ़, वो उसी प्रकार उसमें विधिवत शामिल रहेंगे। दूसरा प्रस्ताव, जनपद फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके जनपद अयोध्या एवं मंडल फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके मंडल अयोध्या किए जाने के संबंध में ये प्रस्ताव भी कैबिनेट ने औपचारिक रूप से पास कर दिया है और इसमें जो पूर्वत जिले थे वही जिले इसमें शामिल रहेंगे, जैसे जनपद फैजाबाद, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी व अमेठी जी, इसे अयोध्या मंडल इसका नाम भी कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया जी। जी अयोध्या नहीं, यह तो फैजाबाद रहेगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो एज इट इज फैजाबाद रहेगा, वही रहेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का नाम अयोध्या हो जाएगा, मंडल का नाम अयोध्या हो जाएगा जी। जो डिस्ट्रिक्ट जैसे अयोध्या सिर्फ नाम परिवर्तित हुआ है केवल, और मंडल का नाम परिवर्तित, सब कुछ वैसे बाकी एज इट इज रहेगा, फैजाबाद एज इट इज रहेगा। देखिए फिर से क्लियर कर दें, डिस्ट्रिक्ट का नाम अयोध्या रहेगा, डिवीजन का नाम अयोध्या रहेगा, बाकी एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा विषय है लखनऊ रेलवे में, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज वन में आवश्यकता अनुसार 48.03 वर्ग मीटर भूमि हस्तांतरित की गई जी, ये 48.03 वर्ग मीटर जी, ये लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 48.03 वर्ग मीटर, यह पॉलिटेक्निक में महिला पॉलिटेक्निक राजकीय पॉलिटेक्निक फैजाबाद रोड, राजकीय पॉलिटेक्निक फैजाबाद रोड पर जो पॉलिटेक्निक की जमीन थी 48.03 मीटर भूमि वो हस्तांतरित की गई है। मैं खास तौर से बता देता हूं, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन प्रबंध निदेशक लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो मेट्रो का वहाँ स्टेशन बनना है, वहाँ पर जो लास्ट स्टेशन बनना है उसके लिए 48 स्क्वायर मीटर्स जमीन लीज पर, लॉन्ग टर्म लीज पर उनको दी गई है, जिससे मेट्रो का काम पूरा हो जाए और जनवरी तक उसके कार्य को प्रारंभ किया जा सके। उस 48 स्क्वायर मीटर्स इज हार्डली एनी लैंड,
तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। 48 स्क्वायर मीटर इतना होगा जितना ही कमरा, तो उससे कम ही होगा। तो इतनी भूमि केवल रह गई थी, ये औपचारिकता, इट्स अ ट्रांजैक्शन, पेपर ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट का ही है और मेट्रो के लिए। अब कर ही देता हूं, दो और विषय हैं। एक जो काशी विश्वनाथ मंदिर जो बन रहा है, मतलब वहां पे जो पहले चरण में हमने 166 जो भवन है या जो वहां पे लोग रह रहे हैं, तो उनका हम लोग ने उनसे बातचीत करके वो लिया था, और अब आवश्यकता पड़ी है 130 और जो प्रॉपर्टीज हैं उसको लेने की। तो ये पूरी की पूरी जो लागत है वो 413 करोड़ की है, जिसमें पहले चरण के अंदर 190 करोड़ सैंक्शन भी कैबिनेट ने किया था, तो आज इसके लिए आया था तो इसको भी अनुमोदित किया गया है। और मैंने ऊपर जल्दी जाने के चक्कर में ये जो आखिरी बिंदु है वो आप लोगों को सबको पता है कि दो फेज में हम लोग के मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। पहले फेज के अंदर जो है वो बस्ती, बहराइच, फैजाबाद, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर का है। बस्ती, बहराइच, फैजाबाद, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर, इन फेज ये जो तैयार हो रहे हैं इनको संचालन करने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के अंदर एक मॉडल है जो कि सोसाइटी के माध्यम से इनका संचालन किया जाता है। तो उसको सोसाइटी इनके संचालन के लिए बनाई जाए और उसको ऑटोनमस की जाए, और साथ इसके लिए जो गवर्निंग बॉडी होगी उसके लिए उसमें जो चेयरमैन होंगे गवर्निंग बॉडी के वो मेडिकल एजुकेशन के मंत्री होंगे, तो उसके अनुमति के लिए ये आया था, तो उसको आज अनुमोदित किया गया है, जिससे कि कोई कठिनाई संचालन के लिए नहीं होगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये आखिरी बिंदु था, तो आप लोगों से मैं अनुमति लेता हूँ, मीटिंग के बाद फिर आपको ब्रीफ करने आता हूँ। नेक्स्ट मीटिंग नीति आयोग के साथ 2:30 बजे होगी, 2 बजे की जगह 2:30 बजे। तो यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और उसी के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस यूपी कैबिनेट की तरफ से रिलीज किया गया, जिसे सिद्धार्थनाथ सिंह को आप अभी सुन रहे थे। मक्का नीति को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और 25 दिसंबर को शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा, ये भी फैसला लिया गया इस यूपी कैबिनेट में। प्रयागराज और अयोध्या के नाम को औपचारिक रूप से मंजूरी भी दे दी है कैबिनेट। और इस वक्त एक बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां पर ताजमहल में नमाज अदा करने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग अड़ गए हैं। लोगों ने एएसआई के अधिकारियों पर अभद्रता और नमाज न पढ़ने देने का आरोप लगाया। वहीं एएसआई के अधिकारियों का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। ताजमहल में सिर्फ शुक्रवार को 2 घंटे नमाज अदा करने का आदेश है। तो ताजमहल में नमाज अदा करने को लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोग अड़े हुए हैं। लोगों ने एएसआई के अधिकारियों पर अभद्रता और नमाज न पढ़ने देने का आरोप भी लगाया। जी मीडिया संवाददाता शोभित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोभित, क्या खुद जानकारी? देखिए, एक बार फिर से वही मामला दोबारा से दोहराया गया है, और यहाँ पे जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो लगातार यहाँ पे नमाज अदा करते थे उनमें काफी विरोध है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि एएसआई ये जबरन हमें वहां पर रोक रहा है, जबकि लगातार वहां नमाज हो रही थी। वही एएसआई का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दे रहा है। उनका कहना है शुक्रवार के दिन बाकी अन्य दिनों में नमाज नहीं होगी, इसको लेकर एक बार फिर से विरोध शुरू हो गया है। जी बिल्कुल शोभित, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, उन्होंने ही कहा है कि शुक्रवार को 2 घंटे नमाज अदा करने का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है।
जी देखिए, शुक्रवार को नमाज के लिए मना नहीं किया गया है, शुक्रवार के दिन ताजमहल के अंदर नमाज होती है और उसको एएसआईटी नहीं रोक रहा है, लेकिन जो अन्य दिन है उसके अलावा उसमें जो नमाज होती है उसको रोका गया है, उस पर रोक लगाई गई है, जिसको लेके मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश है। जी क्या कुछ आश्वासन उन्हें मिला है? देखिए एएसआई का साफ रुख है कि वो न्यायालय के आदेश का हवाला दे रहे हैं, शुक्रवार के अलावा किसी भी दिन उन्हें इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन जो लोग वहाँ नमाज अदा करते हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, इसमें लगातार गतिरोध जारी है। जी बहुत शुक्रिया शोभित इस तमाम जानकारी के लिए। बुलंदशहर डीएम आवास की दीवार तोड़ने का मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। यहां पर सांसद भोला सिंह ने मामले की कार्रवाई का तीखा विरोध किया और बीजेपी सांसद ने जिला प्रशासन की तरफ से दी गई सुरक्षा लौटा दी है। वहीं इसे लेकर के प्रशासन को भोला सिंह की तरफ से लिखा गया पत्र वायरल हो रहा है। दरअसल इस मामले में बीजेपी जिलाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भोला सिंह ने अपने पत्र में इस कार्रवाई को जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है। और यूपी में चल रहे दो मुकदमों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को राहत मिली है। 2014 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के आरोप पर शाह को क्लीन चिट मिली है और इन मुकदमों को खारिज कर दिया गया है। अमित शाह के खिलाफ शामली और मुजफ्फरनगर में आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर स्पेशल कोर्ट ने अपनी मंजूरी दी है। दरअसल 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह पर अपने भाषणों में जनता की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा था, जिसे लेकर के उनके ऊपर दो केस दर्ज किए गए थे। क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच के दौरान भड़काऊ भाषण के आरोप साबित नहीं हो सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह कहा कि हो सकता है आपकी मांग बिल्कुल उचित हो, लेकिन इस तरह की मांग पर न्यायिक सुनवाई नहीं हो सकती। आपको बता दें कि लंबे समय से वकील इलाहाबाद में बनाने की मांग कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, जो पश्चिमी क्षेत्र से 650 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वजह से अपीलीय मामलों में संबंधित पक्षकार हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं और न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं। ग्रेटर नोएडा में जेवर में बनाने एयरपोर्ट के निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कराने को लेकर के सीएम लखनऊ में समीक्षा करेंगे और समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे, जिसमें नोएडा के डीएम के साथ तीनों प्राधिकरण के सीईओ को बुलाया गया है। बैठक में मुख्य सचिव के अलावा नागरिक उड्डयन विभाग, भू विभाग, राजस्व विधि और उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव शामिल होंगे। सीएम की समीक्षा बैठक में जिला प्रशासन जमीन की जानकारी देगा, साथ ही यूरी ब्रिज प्रक्रिया की जानकारी मुहैया कराएगा। बताया जा रहा है कि समीक्षा बैठक में एयरपोर्ट के शिलान्यास की तारीख तय हो सकती है। और लखनऊ सेंट्रल में फिलहाल इतना है।